वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी आरबीएनएल में 2020 में जो वैकेंसी आई है TG2 की, तो उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, और इससे पहले आरबीएनएल में TG2 की वैकेंसी कब आई थी और उसका कट ऑफ कितना गया था, और इस बार का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, और क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो इस सबको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये सब इम्पॉर्टेंट जानकारी मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी आरबीएनएल में जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। तो यूपी आरबीएनएल का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरह है कि इसमें टेक्निकल के 150 क्वेश्चंस आते हैं और जो आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नॉन टेक्निकल के होते हैं। अब जो 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होते हैं उसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है आपका हिंदी जो आपका 10 मार्क्स का होता है, दूसरा है रीजनिंग जो आपका 20 मार्क्स का होता है, और तीसरा है आपका जनरल अवेयरनेस वो आपका 20 मार्क्स का। तो इस तरह आपके टोटल 200 मार्क्स के जो आपका पेपर है वो आएगा और उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन होगा। कंप्यूटर का पेपर इसमें नहीं होता है तो कंप्यूटर का क्वेश्चंस भी इसमें नहीं आते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर इसका सिलेबस दिख रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको रख लीजिए। ये आपका टेक्निकल पोर्शन का सिलेबस है और इसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग इसको तैयार करिए। हिंदी के पोर्शन में क्या आएगा आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका सिलेबस लिखा हुआ है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग का पोर्शन, रीजनिंग के पोर्शन का भी आपको सामने स्क्रीन पर लिख करके आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग के पोर्शन में जो जो टॉपिक्स लिखे हैं इन सबको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, तो जीए के पोर्शन देख लिए, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है ये सब टॉपिक्स जीए के सिलेबस में है। तो जो जो भी सिलेबस है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसमें सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो भी पेपर आता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। इसलिए पहले सिलेबस देखिए, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करिए। अब बात करें कि जो यूपी आरबीएनएल में जो वैकेंसीज निकली है TG2 की, तो क्या इसमें जो निगेटिव मार्किंग है भी या नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो इसमें जो आरबीएनएल में जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इससे पहले आरबीएनएल में TG2 की वैकेंसीज कब आई थी और कितनी आई थी और उसका जो कट ऑफ था वो कितना था। तो आपकी स्क्रीन पर लिख करके आ रहा है, आप लोग देख लीजिए, इससे पहले जो वैकेंसीज आई थी वो 153 थी और उसका जो एग्ज़ाम डेट थी वो 9/11/2016 थी, यानी 2016 के बाद अब जाकर के 2020 में आरबीएनएल में वैकेंसीज आई हैं TG2 की। और इसकी कट ऑफ की बात करें तो आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पर लिख करके आ रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर कट ऑफ दी हुई है, ये उस वक्त जो 2016 में JEE और TG2 की वैकेंसीज आई थी उसके लिए कट ऑफ थी। तो इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 2 की आप लोग देख सकते हैं UR की 131 गई थी, OBC की 123 गई थी और SC की 109 और ST की 106। ये मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन की, और फिटर और इंस्ट्रूमेंट वाले अपनी अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को और बतानी थी, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे क्या इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग बता दें कि इससे पहले जो 2016 वैकेंसीज आई थी उसमें इंटरव्यू था, 25 नंबर का इंटरव्यू हुआ था, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इंटरव्यू का कहीं लिखा नहीं है, और इसमें क्लियरली लिखा है कि CBT के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही फाइनल लिस्ट बनेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोग के लिए लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो लाइव क्लासेस के बारे में जानने के लिए कम्युनिटी पर जाइए, वहाँ पर पोस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, और कम्युनिटी पर जाकर के आपको शेड्यूल भी दिख जाएगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इलेक्ट्रिकल विजन पर बहुत जल्द लाइव क्लासेस होने वाली हैं, और उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना है ताकि कभी भी लाइव नोटिफिकेशन हो आए तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म हो जाए और आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।